तो एक छोटा सा मैसेज है, कल सुबह हर कोई फ़ोन कर रहा था कि कल मैंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जो हमारा ताफिर मारा का जो लापता हुआ उसका बारे में हर कोई अपडेट मांगना था, और बहुत सोशल मीडिया में लिख रहा था कि सोल दोदम कहाँ गया, उसके बाद सोल दोदम इसमें क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है, सोल दोदम कहाँ गया, ताफिर मारा का जो हम अभी तो उसे अमृत घोषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अभी भी हम लोग उम्मीद बहुत है उस पर। तो सब लोग कहा कि काफिर मारा का बाद में अपडेट किया, सोल दोदम से अपडेट किया। मैं एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, तब सोल दोदम नहीं लग रहा था, वहाँ मैं पैगादी भी लग रहा था, पैगादी भी कहाँ गया, सोल दोदम कहाँ गया। और उसी दिन जब हम हमेशा बोलता था कि सिफारिशी जो बस किसी का कहने पर काम करता है और सिफारिशी ठीक नहीं है जब बोला है, तो हम लोग का यहाँ का लोग बोलता था कि सिफारिशी ठीक है। रिसेंटली जब सिफारिशी को यहाँ का ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकाला है, उस समय में एक औरत हमको ये बात बोला है, हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, हमको बोला है पीएचसी एक्शन को तो आप भगा दिया, उसमें आप लोग दो मिथुन मार के काया है, अभी आप सिफारिशी को भी आप जो आप लोग भगा रहे हैं, अभी आप तो अभी उसको भी ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल गया, अब अभी तो छः मिथुन मार के खाओ बोला है। देखिए हम लोग का सेपा में क्या होता है कि निगेटिव बड़ा हुआ है, तो हम हमेशा बोलता था कि जो सेपा जिसी है वो काम ठीक से नहीं करता है। साथ बात बताऊँ, वो सिर्फ बस एमएलए और मिनिस्टर का यहाँ में बात मानता है, स्पेशली नाम भी बोल लेता है, वो तो आऊ ना मामा न तुम, मिनिस्टर जो भी बोलेगा वो करेगा, वो तो कन्फर्म है। अभी भी आऊ मामा न तुम अगर बोलेगा वो तपिन मारो को ढूंढने के लिए बाकी कोई नहीं जाएगा, नो अकेला जाएगा, वो चला जाएगा, हम क्लियर बता रहे हैं। और इसमें कि हम ऐसा भी लगता है कभी कभी डीसी जो अपना काम से सही ढंग से नहीं करता, अभी समय में अगर आऊ मामा बोलेगा सिपा डीसी तुम जो तपिन मारो को ढूंढने के लिए तुम ही जाएगा बाकी कोई नहीं जाएगा बोलेगा, तो ये डीसी जो आऊ मामा जैसे ही बोलेगा, हम लोग का मिनिस्टर है जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है, ये डीसी चला जाएगा, ये डीसी हम लोग बोलने पर कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन आऊ मामा ना तुम बोलने पर ये डीसी तरह तरह काम करेगा, वो तो कंफर्म है। जब हम डीसी ठीक नहीं है बोल रहे समय में कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमेशा पर्सनल दुश्मन लेते हैं, ऐसा नहीं था, हम हमेशा बोलते हैं कि सपा डीसी ठीक नहीं है, उसमें लोग कोई कोई हंस रहा था कि सोल दो दम मेंटल हो गया है, सोल दो दम फालतू है बोलता था, अभी क्या हुआ है वही बात ना, अभी तो फिर मारा का अगर सचमुच हम भी वही लगता था कि अगर उस समय में सही वक्त पर जाता था बोलने से वो बस जाना था, क्योंकि माउंटेनर लोग का पास एक आइडिया होता है, अगर वहाँ में बच्चा तो वो लोग को बड़ा कई थक गया बोलने से भी, वो लोग 7-8 दिन तक या 15-20 या तो 1 महीना तक वो लोग सर्वाइव कर सकता है, वहाँ में जिंदा रह सकता है, वहाँ में वो लोग वहाँ इसलिए जिंदा रह सकता है, वो लोग के पास एक टेक्निक होता है कि बड़े को कैसे करके अंदर में बैठ बैठ के अंदर में कैसे करके कहना है कैसे करके, वो लोग के पास टेक्निक होता है। लेकिन हम लोग अभी भी उम्मीद है, तो सिफारिशी जब हम बोलते समय में सब लोग बोला कि सिफारिशी ठीक है, अरे ऐसा क्यों बोला, हम ऑफिसर को टारगेट करते हैं, हम ऑफिसर टारगेट नहीं है, सिपा डीसी जो सर यहाँ एमएलए और मिनिस्टर का बात मानता है, आम पब्लिक का बात मानता ही नहीं, और आम पब्लिक बात भी नहीं मानता, हम तो पहले से यही बात बोलता था। तो अभी देखने में आया तो बहुत दुख की बात है कि कुछ सामान वहाँ से भी मिला है, हमारा ताफिर मारा साहब का सामान भी मिला है, निकू दाओ दोनों का, लेकिन अफसोस की बात है हमारा यहाँ का जो इस्कामिंग का सरकार, अगर इस्कामिंग के प्रशासन अगर वक्त रहते अगर ये कदम उठाता तो आज वो हम लोग का साथ होता। एक मैडम ने बोल रहा था कि अभी उम्मीद खत्म हो गया, लेकिन हम अभी भी उम्मीद रहता है कि जिंदा रहे, सबका दुआ है, सबका प्रार्थना है। तो मैं उनकी फैमिली को, मैं अभी अपने काम कर रहा हूँ, उसका फैमिली को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि अब सपा आ जाइए, जो होगा होगा दिखा जाएगा, सपा में जितना रहने सहने का जो भी हो, आप लोग कितना आदमी आएगा हमको यहाँ इन्फॉर्म कर दीजिए, और रहने का जितना भी होगा देख लेगा, होटल नहीं सकेगा, मेरा घर में बैठ जाएगा, मेरे घर में बैठ के और हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या करना नहीं करना है, अगर चलिए वहाँ चलना है बोलने से भी हम लोग ठीक है वहाँ से डिस्कस कर लेगा, और अगर यहाँ डीसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है यहाँ बोलने से सिपा से शुरू करेगा, हम उसको फुल साथ देगा, आप लोग ऐसा मत बोले कि सोल्ड और साथ नहीं देगा। देखिए ये डीसी कोई मेरा पर्सनल मामला नहीं है, डीसी का कोई मेरा प्रॉब्लम मामला नहीं है, बस हम यही सोचते हैं कि डीसी जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, सब बोला है कि डीसी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो हम भी ये मानते हैं कि डीसी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं,
और अभी हम ऐसा बोला है, बोल के बाद को हमको फिर ट्रोल करेगा, फिर हम क्यों एमएलए का नाम लिया है, क्यों मिनिस्टर का नाम लिया है, फिर हमको ट्रोल करेगा, वो भी हम पता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि ये डीसी सर एमएलए मिनिस्टर का ही बात मानते हैं, और स्पेशल अव मामा ने तुम जहाँ जाएगा वो भी वही जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाला इलेक्शन में वो हमारा डीसी जो है थेपा में कॉन्टेस्ट एमएलए कॉन्टेस्ट करेगा, सेटिंग करके घूमता है, और जहाँ एमएलए बोलेगा वहाँ पार्टी में जाना वो करना ये जाता है। हम तो पहले से बोला, हम तो इसलिए पसंद नहीं बोला। एक ऑफिसर आया है तो ऑफिस का सर का काम निभाना चाहिए था, एक ड्यूटी निभाना चाहिए था, वो नहीं निभा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा दुखी था, डीसी क्या करा नहीं करा बोल के। तो हम अपना काम था, और बहुत दिन से अपना काम करेगा बोल के सोच रहा था, तो अभी फिलहाल काम भी कर ही रहा है। तो इसलिए अगर बाई चांस अगर डीसी को यहाँ से प्रोटेस्ट करना है, यहाँ से हम लोग कदम उठाना है बोलने से, आप फैमिली आ जाइए, हम दो तीन दिन तक यहाँ रुकेगा, अगर आप लोग आता है बोलने से हम रुक लेगा, आप लोग होटल खर्चा बिल्कुल करने नहीं देगा, खाना पीना आप लोग कुछ सामान लेके मत आइए, आप यही मेरा घर में बैठिए। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेगा कि डीसी को हम लोग क्या करना है, कैसा करना है, शुरुआत करेगा। हम सिर्फ मीडिया में चिल्लाने से नहीं होगा, सोशल मीडिया में चिल्लाने से नहीं होगा, करके दिखाना है। हम कल डीसी ऑफिस गया था, उस समय में सब लोग बोला कि डीसी अभी नहीं है, डीसी जो ट्रांसफ़र अभी तो नहीं गया है, उसका रिलीवर नहीं आया, उसका जो नया डीसी वो नहीं आया है, लेकिन एडीसी का आ चुका है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ में कुछ यूनियन है, बहुत सारी एनजीओ है, बहुत सारी यूनियन बड़ा बड़ा अपना आपको बोलता है, वो लोग कभी किसी का तकलीफ समय में साथ नहीं देगा, वो लोग दूसरा का पूर्ति समय में साथ देगा। मैं स्पेशली कंडम करता हूँ इस आस्को को और एक्सो को। अभी समय में एक्सो और आस्को जो चुप बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा है, उस दिन थोड़ा से सरकार जो गर्मा गर्मी हुआ है, थोड़ा वहाँ जाने के लिए बड़े समय में कुछ कुछ पोस्ट कर रहा था, तो यहाँ का वहाँ का फोटो को लेके आस्को जो अपना पेज में पोस्ट किया है, कुछ कुछ बोल एक्सोलो भी लिख रहा था, आस्कोलो भी लिख रहा था, लेकिन जैसे ही सरकार जो कुछ नहीं बोला तो यहाँ का लोग भी चुपचाप हो गया। मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन आस्को को भी सरकार चला रहा, जैसे सरकार अगर बोलेगा थोड़ा, सरकार जो कुछ ऐसे बड़ा कदम उठाएगा तो यहाँ आस्कोलो यहाँ इस कमिंग में बड़ा बड़ा लिखता है और एक्सोलो लिखता है, लेकिन अभी सरकार कुछ नहीं बोले तो एक्सको आस्को जो आवाज़ उठाना चाहिए था कि क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पर इस्कामिंग का धरती पर हुआ, इस्कामिंग जगह में हुआ है, हम लोग का बेइज्जती होगा, हम लोग का प्रॉब्लम होगा, इसलिए जल्दी डीसी जो जल्दी आवाज उठाइए, डीसी जो काम कीजिए, और मिनिस्टर को लिखना था, सीएम को लिखना था, लेकिन आस्को जो ऐसा चीज़ में आस्को जो पीछे रह जाता है। हमारा आस्को में सिर्फ ऐसा ही है कि जब पिकनिक होगा, पार्टी होगा, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, बस उसके लिए हम लोग आस्को बनाया गया है, आस्को किसी का तकलीफ किसी का प्रॉब्लम के लिए आस्को नहीं बनाया है। तो इसलिए कभी कभी हम दुख भी लगता है कि हम अपना आपको यहाँ पर इस्कामिंग का सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते थे, हमें दुख भी लगता है। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपका फैमिली यहाँ आइए, यहाँ आने से होटल सोटल तो हम खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, फिलहाल मेरा घर में ही बैठने के लिए आप लोग को बंदोबस्त कर देगा। तो अभी समय में हम काम कर रहे हैं, हम ईटानगर उस दिन से बोला था कि थोड़ा घर काम भी करना है बोल के, तो अभी समय में हम लोग यहाँ, आप लोग सोचता होगा मजाक करते, लकड़ी बुक रहा है, यहाँ गाड़ी रुका हुआ है, लकड़ी बुक के ये तंदा दिन में जलाने के लिए पूरा लकड़ी रेडी कर रहे हैं। यहाँ वो लड़का लो है, वहाँ लड़का लो बैठा है, एक बार हाय कर दो। हाँ, लड़का लो पूरा बैठा है, वो आगे में गाड़ी है। तो हम ये काम कर रहा था, तो इसलिए हम आप सबको मैं बता दूँ कि उस फैमिली को मेरा इनवाइट है कि आप सेपा आ जाइए, सेपा में जो होगा वो दिखा, और सेपा का पब्लिक जो आम जनता है, जो गरीब लोग है, आप लोग का साथ में है। आप लोग पता नहीं है सेपा का जितना जनता है, हम बड़ा आदमी को हम नहीं बोल सकते, लेकिन सेपा आदमी तकलीफ है, जो बूढ़ी बूढ़ा लोग है, जो सब्जी बिक्री करता है, जिसको अनाज है, जो विधवा है, वो उसका दर्द आप लोग का साथ में है, आप लोग को प्यार करता है। आप लोग आ जाइए, सेपा पब्लिक आपको साथ देगा। थैंक यू, आप सबको वेलकम है, जब भी आप आ सकता है। आने से ये सेपा डीसी को क्या करना नहीं करना डिसीजन लेगा, फिर मीडिया में बड़ा बड़ा हम झूठ मार के रख देगा, यहाँ बड़ा बड़ा बोल देगा, फिर नहीं होगा। तो थैंक यू, सलाम।